हेलो फ्रेंड्स, तो आपके हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रेम जी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए। ये प्रोडक्ट आपको जैसा कि आप देख सकते हैं अमेजोन से मिला है और इसके अंदर एक गिफ्ट आया है मुझे अमेजोन की तरफ से। सो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ₹1499 का। तो हम लोग इसको साइड में रखते हैं और ये देखिए, ये आईवॉल कंपनी का ब्रांडेड पावर बैंक है। तो अब हम इसे सील ब्रोक करने जा रहे हैं। तो अब हम इसे खोलने के प्रयास के साथ, और ये हमें माइक्रो यूएसबी केबल मिला है विथ यूएसबी पोर्ट, जिसे आप अपने चार्जर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ प्रीमियम क्वालिटी का पेपर वर्क आया है आईकॉल के तरफ से। इसमें जनरली लिखा हुआ है कि ये 10,000 mAh का बैटरी है, जिसमें लिटकन पॉलीथॉन स्कैलर्स के साथ आता है ये। और इसका कुछ वारंटी कार्ड इशू ये सब है। डॉक्यूमेंट को हम लोग साइड में रखते हुए, ये हमारा पावर बैंक है। वाह, दिस इज नाइस ब्रांडिंग विथ आईवॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे हाथ में लेने से प्रीमियम क्वालिटी का फील आ रहा है मुझे। ओ, यहाँ पे दो आउटपुट के लिए दिया हुआ है, करंट के लिए। यहाँ पे 3.0 है, यहाँ पे 3.0 है, यहाँ पे 3.1 है। और इनपुट करने के लिए भी हमें दो दिया हुआ है, कि माइक्रो यूएसबी केबल जिससे ये चार्ज हो जाए, और दूसरा है टाइप सी केबल। और पीछे में इसमें लिखा हुआ है कि ये 10,000 mAh का बैटरी के साथ आता है। अब इसे हम लोग ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लाइट जल गया। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑन हो गया है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सैमसंग का चार्जर केबल है, ओरिजिनल है। ये देखिए, इसका भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये 0.3 ampere का करंट पास करता है, और इसका कैपेसिटी है 0.3 से लेकर के 1.5। यहाँ पे देख सकते हैं 0.3 ampere से लेकर के 1.5 ampere तक का करंट आउटपुट दे सकता है। यहाँ पे USB है, और ये पुराना मोबाइल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैमसंग कोर 2 जनरेशन ओल्ड है, लेकिन अभी भी ये सुरक्षित पूरी तरह से है, कहीं पे भी डैमेज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, प्रीमियम क्वालिटी का इसमें भी पकड़ने से आता है। ये देखिए, अभी ब्रोकन आपको दिख रहा है ये मोबाइल, एक जगह से भी स्क्रैच तक नहीं है, माइनर स्क्रैच नो। तो अब हम इसे, ये फुल्ली तरह से डिस्चार्ज हो गया, ये ऐसे मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ। तो अब हम इसे अपने पावर बैंक से कनेक्ट करने जा रहे हैं इस वायर को। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं इसे 3.0 से कनेक्ट करता हूँ। तो अब मैं इसका केबल को इसमें इनपुट करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट
चेक करके दिखाऊंगा कि ये कैसा सपोर्ट करता है और इसका चार्जिंग स्पीड क्या है। चलिए चेक करके देखते हैं। मैं सबसे पुराना डिवाइस कोर 2 को इससे चार्ज करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप डाटा केवल देख सकते हैं, ये टेक्निकल डाटा केवल, इसीलिए मैंने इसे पूरा समझ ही सकते हैं कि टेक्निकल लोग के। तो सबसे पहले मैं इसे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका पावर ऑन किया, यहाँ पे लाइट जल गया सारा। अब मैं इसे देखिए, यहाँ पे 2 है केबल और यहाँ पे इनपुट वाला है। तो एक सेकंड, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मोबाइल का। अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे करंट का सिंबल बन गया है। तो मैं इसे रखता हूँ और दूसरा मोबाइल को भी कनेक्ट करता हूँ इससे। देख सकते हैं मैं इसे इंसर्ट करने जा रहा हूँ इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट करके हो गया है। ये मेरा बहुत पुराना फोन है और मैं अभी भी इसे वर्किंग पर्पस में नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं इसे यूज करता हूँ जनरली कभी कभी। ये ब्लैक हो चुका है, ये देखिए, ये 77 साइड रख। तो मैं इसे साइड रखता हूँ और मैं इसके जगह पे एक दूसरा चीज को कनेक्ट करके चार्ज करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ये सारे पोर्ट लोग को हटा देता हूँ और अब मैं ये इंटेक्स का, ये देख सकते हैं आप, इंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे है। और इसमें अब मैं इसे चार्ज करके दिखा रहा हूँ। तो ये रहा मेरा केबल और मैं अब इसे इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसे इंसर्ट करूँगा आपको यहाँ पर से दिख जाएगा, लाइट जलेगा रेड कलर का। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे रेड कलर का लाइट जल गया है। ये इंटेक्स का है, ये देखिए ऊपर में भी ब्रांडिंग किया हुआ है, ये भी प्रीमियम क्वालिटी का है। मैंने इसका भी अपने यूट्यूब चैनल वीडियो डाला हुआ है। तो अब हम इसका केबल सारा हटाते हैं और अब हम इसका चार्जिंग टेस्ट चेक करेंगे कि ये कैसा आउटपुट चार्ज लेता भी है। तो अब इसे मैं साइड में रखता हूँ और मैं इसका ये केबल को ऑन कर रहा हूँ जो इसके साथ मुझे फ्री मिला है। ऐसे तो मुझे पावर बैंक ही पूरा फ्री मिला है अमेज़न की तरफ से, अमेज़न ने नहीं, मुझे आईकॉन ने इसे परचेज करने, आपके सामने इसे प्रस्तुत करने के लिए ये दिया है। तो अब मैं इसे रखता हूँ साइड में और ये देखिए व्हाट थिन, कितना मोटा है इसका वायर और केबल भी अच्छा ब्रांड का लग रहा है। आप इसे देख से ही सकते हैं, यहाँ पे देखिए सिंबल बना हुआ, यहाँ पे 2 डॉट बना हुआ। मैंने आपको अपने अगले वीडियो में यानी पिछले वीडियो में यही बताया कि वायर को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये प्रीमियम क्वालिटी का है या नहीं है, लेकिन इसमें माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है, ना ही टाइप सी केबल। फ्री प्रोडक्ट में तो देना ही चाहिए माइक्रो ही, लेकिन इसमें दोनों है, आप इसमें देख सकते हैं, ऊपर वाला माइक्रो है और नीचे वाला यूएसबी टाइप सी केबल है। तो अगर आपके पास यूएसबी टाइप सी केबल है तो आप उससे इससे भी चार्ज कर सकते हैं। मैंने इसे कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं ये सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर मैं इसे इसमें पुट कर रहा हूँ और अब मुझे मैं इसे करंट के एक सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन आता है। और ये आप देख सकते हैं, ये लाइट जलना स्टार्ट हो गया, ये चार्जिंग ले रहा है और ये फुल चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग ऑफ हो जाता है। ये ऑटो कनेक्ट, ऑटो डिस्कनेक्ट ऑप्शन इसका बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। तो मैं इसे आपको लेने के लिए बिकॉज मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा और ये आपको बता रहा है कि आपका 75% चार्ज खत्म हो चुका है। अगर इसमें चारों लाइट जल रहा है तो आप इसे समझ सकते हैं कि 100% चार्ज है। अगर 3 है तो 75%, अगर 2 है तो 50% और अगर 1 है तो 25%। और अगर 1 भी बंद हो गया तो आप इसे चार्ज से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आपको शो कर देगा। और ये प्रीमियम वाइट कलर का है, पीछे में कुछ लिखा हुआ है, डेटा आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं कैमरा लेंस को जूम करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
सो और इसका मैंने अनबॉक्सिंग आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारे चीज का यूज करके आपको दिखाया है, इतने सारे डाटा केबल। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक दे सकते हैं, बुरा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि कौन सा पार्ट आपको बुरा लगा है, और अगर खराब लगता है तो आप मेरे चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। टेक्निकल गुरु जी इस बात का फुल ऑन, कोई भी अपने टेक्निकल प्रेम जी इस बात का कोई भी बुरा नहीं मानते हैं, इसीलिए आप लोग चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में जरूर लिखें कि कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बहुत बड़ा खराब पार्ट था या उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और ऐसे लाइट क्वालिटी मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि मेरा एक मेन लाइट था वो जो खराब हो चुका है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।